उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश मौतों के लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है। और जो ये मृत्यु हो रही है, ये जो कोरोना से मृत्यु हो रही है और इससे मृत्यु दर जो बढ़ रही है और जो संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस सब के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि ना तो उन लोगों को सही अस्पताल की व्यवस्था की गई है, ना ही जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं या संक्रमित व्यक्ति हैं उनको क्वारंटाइन या कुछ भी करने का उनकी सही व्यवस्था किसी भी तरीके से नहीं की गई है। एक तरफ तो जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना से पीड़ित लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है और एक तरफ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना पीड़ित से, और वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो दबंग लोग हैं, जो जाति विशेष के जो लोग हैं, जो जिन लोगों की ये सरकार चल रही है, वो लोग योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर SC ST OBC के लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और उस पर ना तो देश के प्रधानमंत्री, जो गरीबों के मसीहा बनते हैं, जो SC ST OBC की सिर्फ बात बात जुमलेबाजी करना जानते हैं, और ना तो उनका कोई स्टेटमेंट आया, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई भी जो SC ST OBC के लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं उस पर कोई स्टेटमेंट दिया है। तो वहीं एक तरफ जहां इस तरीके की बर्बरतापूर्ण व्यवहार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है लाश के ढेरों पर बैठा हुआ है, यहाँ महिलाएं जो 9 महीने की गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में जा रही है, और अस्पतालों में बदलते बदलते जाते जाते महिलाओं और महिला के गर्भ में पल रहे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बच्चे सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, महिला जो हैं उनको अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है, जो अन्य बीमारी से पीड़ित लोग हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनकी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, ये जो मौतें हो रही हैं इन सब मौतों के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये आप इन सब मौतों के जिम्मेदार आप हैं, और इनका सबका हिसाब रखा जाएगा, इनका सबका हिसाब लिया जाएगा। और वहीं एक तरफ जहां पूरे विश्व, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं एक तरफ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जाति व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को फैला रहे हैं। आप जो है जातिवाद को ये कह रहे हैं कि ये हिंदू में ये व्यवस्था बनी हुई है और इस ये जाति ये व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस व्यवस्था में आप लोग रस मलाई सब मलाई खाते रहे, पूरे पूरे भारत वर्ष में आप सब लोगों का वर्चस्व बना रहे हैं, और SC ST OBC को आप दबाते रहे, उनको कुचलते रहे, इसलिए जातियां खत्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ जाति खत्म नहीं होनी चाहिए, और आप जैसे लोग जातियों को खत्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपको कोई फिर कोई पूछने वाला नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर आप इस तरीके की बात करते हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, ये एक अपने आप में एक शर्मनाक बयान आपका है। लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं, और इसको समझा जाएगा और इसको याद रखा जाएगा। और वहीं एक तरफ आपकी सरकार में जो निकम्मा प्रशासन और शासन के लोग हैं, उन्होंने ममता को, उन्हें मानवता को शर्मसार कर दिया, उन्होंने इंसानियत को कलंकित कर दिया है, उन्हें मानवता के ऊपर कलंक लगा दिया है। और वो कलंक ये है कि एक जो महाबलरामपुर में एक अनवर अली जो है, वो उतरैना तहसील के गेट पर जिनकी मृत्यु पता नहीं किस कारण से हुई है, उसको कोरोना से करके उनके शव को सफाई कर्मचारियों को बुलाकर और सफाई कर्मचारियों की कचरे वाली गाड़ी को बुलाकर उसमें कचरे के भरी हुई गाड़ी में आपने, आपकी सरकार के लोगों ने उसमें उस अनवर अली के शव को ले जाके अस्पताल में फेंक दिया। तो ये आप लोगों के जो आपके जो सरकार में चल रहे हैं, आपकी जो सरकार के शासन और प्रशासन के लोग हैं, वो मानवताहीन लोग हो गए हैं, वो भावनाहीन लोग हो गए हैं। भारत वर्ष में ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरीके से एक
एक मध्य प्रदेश में जो शिवराज जो हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनकी सरकार चल रही है और शिवराज वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन उसी में अब से 3 दिन 4 दिन पहले वहां भी एक एक व्यक्ति की जो है सबको कचरे की गाड़ी बुलाकर कचरे की गाड़ी में आप ढुआ रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ये सब याद रखा जाएगा। आपके पुलिस प्रशासन के लोग वहां खड़े हुए हैं, आपके शासन प्रशासन के लोग वहां देख रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के द्वारा शवों को उठा उठा के जानवरों से भी बुरा आचरण बुरा व्यवहार आपकी सरकार के लोग कर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं और जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश को जो आपने लाशों के ढेर में जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो लाश दिन पर दिन यहाँ मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उस सब का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। आपके पास में भारतवर्ष के अलग अलग देशों अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग उससे सारे भारत के प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में इतना फंड जमा हो चुका आपके खाते में, आपकी सरकार के खाते में, उत्तर प्रदेश की सरकार के खाते में इतना पैसा जमा हो चुका है। लोगों ने अपने घरों के अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल खोल कर अपनी अपने अपने भारतवासियों को बचाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बचाने के लोगों ने दिल खोलकर आपकी सरकार को पैसा दिया है। वो पैसा कहाँ गया? अरे जहाँ कहीं जहाँ एक तरफ तो जो आजकल ना कहीं कोई पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ना कहीं कोई किसी तरीके की और औपचारिकता की जा रही है, सिर्फ एक एक बिजली के बटन दबाने मात्र से ही लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपकी सरकार के जो लोग हैं, आपके जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की इतनी विकृत मानसिकता हो गई है, इतने निर्दयी लोग आपकी सरकार में बैठे हुए हैं कि वो लोग एक सबके साथ में इतना घिनौना व्यवहार कर रहे हैं, हैं? ये पैसा कहाँ गया कि आपने ना लोगों को, ना मजदूरों को, ना सड़क पर चलने वाले लोगों को कोई खाना मुहैया नहीं कराया, कोई पानी मुहैया नहीं कराया, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी, वो 40-50 दिन तक अपने आप पैदल चलते रहे हैं, कोई बसों की कोई व्यवस्था नहीं करी, ट्रेनें आपकी 10-10, 20-20 घंटे जो बाद में 50 दिन बाद में आपकी जो ट्रेनें और बसें चली हैं, कोई कहीं गोरखपुर पहुंच रही है, कहीं कोई कोयरल पहुंच रही है, और उत्तर प्रदेश में तो आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो पैसा कहाँ गया? उस जो पैसा आपको उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, कोरोना से जूझ के बचाने के लिए जो पैसा दिया है, वो पैसा गया कहाँ? योगी आदित्यनाथ जी, वो पैसे का आपने क्या करा? या जो बिहार में जो सरकार आप बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, क्या उनसे पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने वो पैसा दे दिया जिससे एलईडी खरीदी जा रही है, जिससे और सारे आपकी सरकार जो है बिल्कुल ध्वस्त, आपके सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है, आपकी सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जितनी भी ये मृत्यु बढ़ रही है, जितनी भी ये मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री और आप उसके जिम्मेदार हैं। अरे कहाँ गई स्वास्थ्य में जो आपको सुविधाएं उपलब्ध करानी थी वो सब कहाँ गई? अस्पतालों में जो चीजें आपको जो स्वास्थ्य के लिए मुहैया करानी थी वो कहाँ गई? आपने पैसे का क्या करा? जो इतना पैसा आपको दिया गया है इस महामारी से लड़ने के लिए, उस पैसे का क्या करा? जो जनता ने आपको पैसा दिया है, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है? और मानव के साथ में मानवता के को शर्मसार करने वाली इतनी निर्दयपूर्ण घटनाएं आपके आपके लोग कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं कि जानवरों से भी बुरा व्यवहार जो है। अरे ये देखो ना, वो इंसान की आप जो सबको कचरे की गाड़ी में आप डालकर ले जा रहे हैं, कितनी अपने आप में शर्मनाक घटना है। आपके उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, जिस तरीके से जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और जो वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग जो खड़े हुए हैं, और जो वहाँ प्रशासन की और जो लोग खड़े हुए हैं, और जो इस कृत्य को करते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जिन्होंने ये काम करने का आदेश दिया है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। और दिन पर दिन जो घटनाएं हो रही हैं SC ST OBC के लोगों के साथ में, उन घटनाओं को कृपया करके आप रुकवाएं योगी आदित्यनाथ जी, लोगों को योजनाबद्ध तरीके से आपकी सरकार में के जो लोग हैं, आपकी सरकार के
जो लोग हैं उनके नुमाइंदे इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन ये घटनाएं रुकनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।